कोल्ड ड्रिंक अगर बच जाए या फिर ख़राब हो जाए तो दोस्तों कभी भी फेंकना नहीं है। दोस्तों आज मैं इसकी बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं किचन का हमारा सिंक है और चिपचिपे से ऐसे दाग, वाइट जैसे दाग आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों चाहे कैसे भी दाग हो, दोस्तों चुटकियों में रिमूव हो जाएंगे एक कोल्ड ड्रिंक की मदद से। इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है जो कि दोस्तों ये बच गया था, तो हमने सोचा इससे अपना जो किचन का सिंक है उसको क्लीन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, इस टाइप का शायद आपको वीडियो मिले। तो इस चैनल पे दोस्तों इस टाइप के वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बराबर में ऑल को भी क्लिक करें। और देख सकते हैं अभी अपना किचन का सिंक है, यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का मग लिया है। यहाँ पर लगभग हम 100 ml कोल्डिंग को लेने वाले हैं। कोल्डिंग चाहे ख़राब हो जाती है उसको भी ना फेंकें, अगर बच जाए कोई ना पिए तो भी दोस्तों उसको फेंकना नहीं है, हम उसको साफ़ सफाई में भी यूजिंग में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 100 ml मैंने कोल्डिंग लिया है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हम यहाँ पर लेने वाले हैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है और 100 ml कोल्डिंग को ले लिया है जो कि बच गई थी। अब यहाँ पे मैंने एक जूना लिया है और जूने को हल्के हाथों से रगड़ना है स्टील की सिंक पर। देखिए चाहे स्टील का सिंक हो, चाहे कोई चिमनी हो, जैसे कि प्रदूषण को पास करने के लिए बहुत लोग लगा लेते हैं घर में, खास करके फ्लैट वगैरह में मिलते हैं, और या फिर स्टील की कोई भी बर्तन हो, बर्तन साफ़ करने के लिए भी इससे बना सकते हैं। तो लगभग 5-7 मिनट तक हम इसको रगड़ेंगे और जितनी भी गंदगी है, अगर दोस्तों जंग भी लगा हुआ होगा ना, उसको भी छुटा देगा ये। ये देखिए 99% तक तो हमारे जो दाग धब्बे चिपचिपे जैसे ऑयली जैसे थे बिल्कुल छुट चुके हैं और ये 101% साफ हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी कोल्ड ड्रिंक को कभी भी फेंकें ना, या बच जाए या फिर ख़राब हो जाए उसको रख सकते हैं स्टॉक करके और अपने बर्तन साफ़ करने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा जो सिंक है ना बिल्कुल क्लीन हो चुका है, अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी ऐसे यूजफुल टिप्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। देखिए अपना जो सिंक है ना बिल्कुल साफ है, ये देखिए बिल्कुल चकाचक हो चुका है, इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।